हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 10 बज चुके हैं एंड फाइनली कल मैं जा रही हूँ अपने मायके, और मैं सोच रही हूँ कि घर जाने से पहले थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ, कीचू के लिए भी और खुद के लिए भी। तो देखती हूँ, अभी मार्केट जाने का हो सकता है, वैसे मौसम ख़राब हो रखा है, बारिश भी हो सकती है तो कैंसिल भी हो सकता है। तो अभी तो फिलहाल घर के काम हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी बचा है, और थोड़ी बहुत मेरी एडिटिंग बची है तो वो भी मैं अभी ख़त्म कर लूँगी एंड फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मार्केट जाना है या नहीं जाना है। सो गाइज, फाइनली हम लोग मार्केट जा रहे हैं और मुँह हाथ धो के आ गई हूँ, तो अब तैयार होते हैं और मार्केट को जाते हैं। बारिश, ये मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। कोई बात नहीं, मार्केट तो जाना ही जाना है क्योंकि सामान वामान लेके आना है, थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी है किचू की और अपनी, तो फटाफट से जाते हैं अब। सो गाइस, मैं तैयार हो चुकी हूँ अभी अभी हम लोग निकल रहे हैं। बारिश हो गई थी एक बार, तो एक घंटा तो हम लोग वैसे ही रुके। ये देखो, पीछे पूरा गीला हो गया है और अभी अच्छी खासी धूप आ गई है। तो गाइस, अभी हम लोग निकलने लग गए यहाँ से, और बारिश हो के धूप भी आ गई अच्छी खासी, तो अब निकल रहे हैं हम। मौसम सही हो गया अब निकलने के लिए। मयूर हेलमेट भी लेके आ गए दो, हमारा वाला हेलमेट भैया लेके गए हैं हॉस्पिटल। आज शायद भाभी के पापा हॉस्पिटल में अपने चेकअप कराने के लिए आ रखे हैं, तो भैया गए हैं वहाँ पे पापा को दिखाने के लिए, मतलब भाभी के पापा को दिखाने के लिए। तो अभी हम लोग भी मार्केट जा रहे हैं, क्या पता हमें वहाँ मिल जाए। और मैं तो कल जाऊँगी अपने मायका, ये इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली सच में, बहुत टाइम हो गया नहीं गए हुए। और आप लोगों को भी एक नया माहौल दिखाऊँगी वहाँ का, मतलब आप लोगों को मेरा गाँव, वहाँ हमारा घर, और जहाँ से मैंने स्कूलिंग की है, मतलब जहाँ से मैंने प्राइमरी स्कूलिंग कर रखी है, वो सब दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने गांव के अंदर ही हमारा स्कूल भी है, आप तो पता नहीं उसकी कैसी कंडीशन हो गई है, बंद हो गया था वो काफ़ी टाइम पहले, मतलब जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पे बंद हो गया था। तो सब कुछ मैं आपको कल से स्टार्ट कर दूँगी, कल से दिखाऊँगी। कल तो खैर मैं कल जाऊँगी, तो परसों से सब कुछ दिखाऊँगी। और तभी इसीलिए मैं 2-4 दिन पहले जा रही हूँ, और थोड़ी बहुत घर वालों की भी हेल्प करूँगी शॉपिंग करने में, या फिर कुछ भी सामान वामान लाना होगा, उन लोगों को ले जाना होगा, तो बहुत सारे काम होते हैं, वो सब कल से स्टार्ट होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ मार्केट को। जब भी मैं मास्क पहन रही हूँ ना, तो मतलब पूरी भाप बन जा रही है आंखों में, कुछ मतलब ये चश्मे के यहाँ पे देखना, ये ना ये दिख रहा है, तो जितनी बार सांस ले रही हूँ उतनी बार चश्मे में भाप चढ़ जा रही है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है मास्क पहनने में। चलो रुको, मैं गलत साइड से बैठ गई, चलो कोई नहीं। पता है ये हेलमेट मेरे चश्मे के ऊपर आ जा रहा है बार बार, तो ऐसे सारे हेलमेट मेरे बड़े हो रहे हैं। अभी तो मौसम इतना बढ़िया हो गया ना, इतना धूप आ रही है, इतना बारिश हो रही है, मस्त ठंडी हवा आ रही है, किराए को लकड़ी का गिट्टा मजे। अभी ये जो ले जा रहे हैं इनको थोड़ा ठंडा कर जाएगा इनसे। तो हो गई है आधे रास्ते में, फिर टक गए। तो यहाँ पे हमने सामान ले लिया है, ब्लैंकेट वगैरह ले लिए किचू के लिए, और मम्मी ने बर्तन मंगाए थे वो भी ले लिए। पर बारिश स्टार्ट हो गई है फिर से, कुछ चीज़ें और लेनी है, देखती हूँ पहले कहीं पर रुकते हैं यार। हाँ, आगे आगे जाके हम दूसरी दुकान में आ गए, चिकन मार्केट में यही बात पड़ गया।
सो गाइस अभी मैंने एक कुर्ती पसंद की रेड कलर की, अभी उसकी फिटिंग हो रही है। तो ये कुर्ती मेरी तैयार हो चुकी है। तो कुर्ती की फिटिंग हमारी हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं घर को। सो गाइस अभी हम लोग घर को आ गए, बस बेबी के कपड़े लिए और एक कुर्ती ली मैंने अपने लिए, तो उसके हाथों हाथ फिटिंग करवा के फिर हम लोग घर को आ गए, क्योंकि कल तो टाइम मिलता नहीं फिटिंग कराने का। कल ही पहन नहीं लिया, तो कल तो मैं सुबह टाइम पे निकल जाऊंगी घर को। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के लिए। हम दोनों इतनी बड़ी मार्केट में घूमे, हमने सामान खरीदा, पर मयूर ने एक बार ये नहीं बोला कि बिन्नी ये खाती हो, बिन्नी वो खाता हो, बिन्नी मोमोज खा लो, बिन्नी चाउमीन खा लो। मैं कौन सा बर्गर खा रही थी, मैं पिज्ज़ा मारा था, तुझे भी नहीं खिलाया यार, हद होती है। कुछ तो खिला देना चाहिए था तुमने मुझे। नो मनी नो मनी कंगाल भिखारी। बाल का बच्चा नहीं उतर रहे। सो गाइस हम लोग वहाँ से आने के बाद अभी हम लंच कर रहे हैं, मेरे हाथ जूठे हो रहे हैं, फाते ही खाना स्टार्ट कर दिया, भूख लग गई थी। गाइस अभी 4 बज चुके हैं और आज हम सोए नहीं थे, दिन भर कप्पे शप्पे मारने में लगे थे, बाहर से बैठे थे मैं, मम्मी, चाची, मयूर और मानसी, तो हम लोग बाहर से गप्पे मारने में लगे थे। तो 2 बजे से गप्पे मार रहे हैं, 2-3-4 मतलब 3 घंटे हो गए। तो अभी हमने ब्रेक ले लिया है, तो हम लोग चाय पी रहे हैं, यहाँ पे चाय नहीं उबल गई है। ये इतना मोटा डंडा लेके आ रखा है मुझे मारने के लिए, तो क्या करूं, आरती उतारूं मैं ये। तो मुझे मार दे। चलो ये चाय दे के आओ। आप थाली में रख रही हूँ मैं, मुझे डरा डरा के काम करवाता है। चलो 1-2-3 ये मेरी है, 3-4-5 ओके गो। यहाँ पर स्नैपचैट में कुछ कलाकारी कर रहे हैं। ये देखो दिखाओ मानसी जरा, आप पाल रही हो भैंस? ये रुक जाओ भैंस आता है शिकोड़ा। हेलो अम्मा आवा एक बार, वही जा ऐसे लग रही है। आओ तो सही, वो देखो इसमें कार्टून बना रहे हमको। चलो नेक्स्ट उधर बना रही है। अरे वो हमारा बना रही है, वो अपने फोन में बना रही है। ऐसे करो करो नहीं जा ऐसे करो तुम्हें ऐसे इधर देखो इधर यहाँ देखो यहाँ एक ही में आएगा इनकेस में नहीं आएगा। इनकेस में करो ज्योति ऐसे कब निकल देखो मूंग लेकिन निकालो यार, दूसरा जस ये तर जस मेरा निकाल, बंद करो यार बस ज्योति डांट होना का गौरा मेरे के पेट में कोरोना हो गया है। मैं और मेरा वाला दिखाओ कहाँ है ये। अच्छा निकली बहती मेरा ये दिखाओ जी जी मुझे व्हाट्सएप करना। दिव्यांशी की कहाँ है? दिव्यांशी की नहीं है। हाँ दिव्यांशी की बनाओ, मस्त लग रही। ये सबसे बेस्ट है। दिव्यांशी कैसी लग रही है? दिव्यांशी आप कूल हो गए हम। जो अम्मा सच में आपने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया ना, बिल्कुल हाँ साफ ये
कहाँ इतनी ज्यादा घास हो रही है इसमें ये। और अभी अम्मा ने इतना अच्छा कर दिया इधर, ये बिल्कुल साफ, मजा आ गया अम्मा। सो गाइस अभी 7:30 हो चुके हैं और मैं किचन में आ गई हूँ, तो अभी तो मैं खाना बना रही हूँ। और शाम के टाइम पे हम लोग बैठे थे चाय पीने के लिए, तो वहां पे गप्पे शप्पे मारने लगे। और उसके बाद जंगल आमा आ गई थी तो उनके साथ गप्पे शप्पे मारी, फिर उसके बाद मैं और मानसी घूमने के लिए चले गए। फिर थोड़ी देर में मम्मी का फोन आ गया और फिर मम्मी से बहुत देर तक बातें करते रहे, तो टाइम का पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ चले गया। इनफैक्ट मैं सब्जी बनाने में भी थोड़ी लेट हो गई, अभी तो फिलहाल मैं सब्जी बना रही हूँ और खाना खा के फिर वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठ जाएंगे। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, नए है चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।